सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हमेशा दूसरों की सफलता के बारे में जानने के बजाय खुद की सफलता पर काम करना चाहिए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि ये दोनों ना दोबारा आते हैं ना मौका देते हैं। असफलता आपको अपनी गलती सुधारने और वापस दोगुनी ताकत से सफल होने के लिए प्रेरित करती है। आज का पंचांग 5 मार्च 2020, दिन गुरुवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 1:19 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र सुबह 11:26 तक विराजमान रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 1:40 से 3:08 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:49 से 12:36 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर सुबह 4:55 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगी। कर्क राशि 5 मार्च 2020, दिन गुरुवार, यह समय अपने लक्ष्य के लिए गंभीरता से कोशिश करने का है। आपको बहुत जल्दी इसका फल भी मिलेगा। आप अभी कुछ बातों के बारे में सोच रहे थे, उनको कार्यान्वित करने का समय आ गया है। आपको अपना सारा ध्यान अब इसी पर लगाना होगा। हालांकि आप इसके कारण बहुत व्यस्त रहेंगे, लेकिन आपको इसका अच्छा फल भी जल्दी मिलेगा और आपकी सफलता की इच्छा बढ़ेगी। नौकरी पेशा जातकों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा, जिससे आपको आपके अधिकारियों से तारीफ और उन्नति मिल सकती है और पारिवारिक जीवन में प्रेम और एकता साफ दिखाई देगी। देखा है इसलिए भूमि वाहन इत्यादि की सुख सुविधा प्राप्त होगी। आपको बहुत से नए अवसर मिल रहे हैं, जिनसे आपके जीवन में उन्नति होगी और आध्यात्मिक रूप से आपकी वृद्धि होगी। किसी की बात से यदि आप अब भी नाराज हैं तो उस व्यक्ति को माफ करने का प्रयास करें। किसी भी कार्य या रिश्ते में अत्यधिक प्रयास करने के बजाय उसे समय के साथ संभलने का मौका दें। सावधानियां, आपके ग्रह एक प्रतिकूल स्थिति में हो सकते हैं और आपको अपने विषयों की बुनियादी बातों को समझने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लव लाइफ की बात करें तो जो लोग जीवन साथी की तलाश में हैं, उनके लिए आज का दिन अच्छा है। आप और किसी को आकर्षित कर सकते हैं। मित्रों के साथ मिलें और उनके साथ बाहर जाएं। जो लोग पहले से ही रिश्ते में हैं, वे भी अपने रिश्ते में चिंगारी का अनुभव करेंगे। आपकी एक रास्ता टूटेगी और अपनी साथी के साथ कुछ अलग करने की कोशिश कर सकते हैं। आप एक घरेलू व्यक्ति हैं, तो आप अपने साथी के साथ बाहर का रुख करके आनंदित समय व्यतीत कर सकते हैं। करियर की बात करें तो चुनौतीपूर्ण समय खत्म हो गया है। आपने सफलतापूर्वक बाधाओं को पार कर लिया है जो कि भाग्य ने आप पर फेंके थे। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आप अपने को शांत बनाए रखें। इसके अलावा आप आराम करने की मुद्रा में आ सकते हैं, क्योंकि कार्य का दबाव आपके कार्य स्थल पर काफी कम हो गया है। अच्छा कार्य प्रदर्शन आपके वित्तीय लाभ का मार्ग भी खोलेगी। लंबी अवधि के निवेश में पैसे का निवेश करने के लिए भी ये भी एक अच्छा समय है। सेहत की बात करें तो आपकी शारीरिक सेहत तो अच्छी ही है, लेकिन आपकी मानसिक सेहत को अच्छा नहीं कहा जा सकता। करियर के मामले में आपने अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां ले ली है और इसके नतीजे के रूप में आपका मानसिक तनाव बढ़ रहा है। आपको तुरंत इसका समाधान खोजना होगा।
रिलैक्स की कुछ तकनीकें आप अपना सकते हैं। आज का उपाय, आज आप चावल का दान करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।